हेलो। प्रिय छात्रों और साथियों, आज हम जो अपना लेक्चर है वो प्रेस टूल टॉपिक के ऊपर, जो छठे सेमेस्टर के पांचवे सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए है। मैं प्रवक्ता सुशील कुमार, डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ यूपी, इस विषय के ऊपर आज अपना व्याख्यान दे रहा हूं। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। प्रेस टूल, देखिए, जैसे आपको कुछ कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, जब ये आपके सामने आते हैं तो विचार आता होगा कि ये कैसे बने, कहाँ से आए, किस तरह तैयार हुए। तो ये सब क्वेश्चन हमारे रसोई के अंदर हम घुसते हैं, तो जितने भी आपको कटोरी, प्लेट, ग्लास दिखाई देते हैं, तो मुझे तो वो प्रेस टूल्स के ऑपरेशंस दिखाई देते हैं। एज ए इंजीनियर, जहां भी मुझे कोई कंपोनेंट दिखाई देता है तो लगता है कि ईश्वर का ये प्रेस टूल द्वारा बनाया हुआ कंपोनेंट है, क्रिएट किया हुआ है। ये एक प्रेस टूल का एक आकृति है। अगर हम प्रेस टूल के बारे में जाने कि प्रेस टूल है क्या, तो सभी के पास एक पंचिंग मशीन होती है, छोटी सी जो पंचिंग मशीन होती है किसी कागज में होल करने के लिए, वो एक छोटा माइक्रो पंचिंग मशीन का एग्जाम्पल है, जो आप अपने आसपास में सदा देखते होंगे। इसी को अगर बड़ा रूप कर दें, एक एनलार्ज कर दें, तो वो आपका प्रेस टूल का वर्क करने लगती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रेस वर्किंग टर्मिनोलॉजी है, कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए, जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है रैम। रैम वो एक मशीन का पार्ट्स है जिससे हमारा पंच होल्डर जुड़ा होता है, पंच होल्डर के साथ में हमारा पंच जुड़ा होता है, दूसरा हमारा डाई होती है जो डाई रिटेनर के अंदर लगी हुई होती है, एक स्ट्रिपर होता है, पैकिंग होती है, डाई ब्लॉक होता है, बूस्टर प्लेट होती है डाई के लिए सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह बहुत से पार्ट्स इसके होते हैं जिनके आप टर्मिनोलॉजी नाम याद कर लें। बार बार इसको एक 2D 3D डायग्राम के अंदर या एक लाइन डायग्राम के अंदर आप इसके पार्ट्स को जान लें और एग्जाम के अंदर आप इन्हें नोट करके जब भी प्रेस पूछा जाए तो बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन सब पार्ट्स के नाम आपको याद कर लेने चाहिए। प्रेस के बारे में अगर हम शुरू करें कि चिपलेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जिसके अंदर कोई चिप तैयार नहीं होती है जैसा मशीनिंग के अंदर होती है। इसके अंदर जो हमारे ऑपरेशंस किए जाते हैं, शियर फोर्स यूज किया जाता है। शियर फोर्स के द्वारा हमारे पार्ट्स बनते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि इसके अंदर एक रैम होता है, बेड होता है, कुछ सोर्स ऑफ पावर होती है। अगर हैंड ऑपरेटेड है तो उसमें पावर सोर्स आपका मैनुअल फोर्स होगी, और अगर कोई मशीन या कोई मैकेनिकल मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं तो वो सोर्स ऑफ पावर होगी। इसी तरह इसके अंदर सेट ऑफ पंच होंगे जिनकी आकृति आपके जॉब्स के शेप की होनी चाहिए। वर्क पीस जब आपका प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके अंदर डाई ब्लॉक के अंदर जो आपका वर्क पीस होता है उसके ऊपर वो हिट करता है। ये सीट मेटल भी हम इसे बोलते हैं। अपने वर्कशॉप के अंदर प्रेस टूल जहां यूज की जाती है, उस कार्यशाला को, उस वर्कशॉप को हम सीट मेटल शॉप भी कहते हैं। अगर इसके द्वारा बनाए गए पार्ट्स की बात करें तो एयरक्राफ्ट बॉडीज, ऑफिस अप्लायंसेस, किचन वेयर्स, स्टोर कैबिनेट, फर्नीचर आइटम एंड मैकेनिकल टॉयज, तो नंबर ऑफ एरियाज के अंदर काफी वाइड एरिया प्रेस टूल का यूज किया जाता है। प्रेस टूल ऑपरेशन ऑफ शीट मेटल इज बाय फार द चीपेस्ट, जो सबसे मुख्य बिंदु है।
जो प्रेस टूल को यूज करे जाने का है वो है चीपेस्ट, यानी कि सस्ता, जिसके लिए प्रेस टूल यूज किया जाता है। तो ये किसका कारण है, जिस कारण हम प्रेस टूल को यूज करते हैं। एडवांटेजेस, इसको यूज किया जाने का, प्रेस टूल को यूज किया जाने का, सीट मेटल ऑपरेशन को यूज किया जाने का प्रमुख कारण है प्रोडक्टिविटी, यानी कि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, एक्यूरेसी बेटर होती है, इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी होती है पार्ट्स के अंदर, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कम पढ़े लिखे कम दक्ष लेबर भी इसको कार्य कर सकती है, स्क्रैप इसके अंदर बहुत कम होता है, प्रिडिक्टेबल स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपोनेंट, ये किसका एडवांटेज है, वेट बहुत कम होता है इसके कंपोनेंट में, रिडक्शन ऑफ वेट कंसिडरेबली, कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत कम होती है, ये इसका एक सफलता का सबसे बड़ा कारण है। ऑटोमेशन इसके अंदर की जा सकती है, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रेस टूल। तो छात्र इनको अच्छी तरह याद कर ले और एग्जाम के अंदर इन पॉइंट को लिख दे। देखिए कुछ ऑटोमेशन के ऊपर दिखाया कि किस तरह आजकल हम विभिन्न टेक्नोलॉजी लाइक ऑटो कैड या कैड सॉलिड वर्क के द्वारा भी प्रेस टूल के अंदर हम क्या क्या नई नई तकनीक्स यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रेस के प्रकार की बात करें तो वेरियस टाइप से हम प्रेस को डिफाइंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पावर। अगर मैनुअल फोर्स यूज कर रहे हैं तो मैनुअल प्रेस होगी, और अगर कोई पावर यूज कर रहे हैं तो हमारी पावर सोर्स होगी। जनरली मैकेनिकल या हाइड्रोलिक प्रेस हम यूज करते हैं। अगर दूसरी टाइप्स की बात करें बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एक्चुएशंस, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, विभिन्न प्रकार के एक्चुएटर्स हो सकते हैं जिनकी सहायता से वो मशीन चलाई जाती है, लाइक क्रैंक ऑपरेटेड, कैम प्रेस, एक्सेंट्रिक, स्क्रू, रैक एंड पिनियन, नकल जॉइंट एंड टॉगल जॉइंट। तो दीज आर द टाइप्स अकॉर्डिंग टू एक्चुएटर्स एक्चुएशंस। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्लाइड, कितने उसके अंदर स्लाइड्स यूज कर रहे हैं, सिंगल एक्शन, डबल एक्शन या ट्रिपल एक्शन, यानी कि एक साथ उसमें कितने काम कर रहे हैं, लाइक कटिंग और फॉर्मिंग भी कर रहे हैं, बेंडिंग और कटिंग भी कर रहे हैं, इस तरह हमारे नंबर ऑफ स्लाइड्स क्या क्या उसके अंदर कर रहे हैं, इस तरह उसकी टाइप्स ऑफ प्रेस को हम डिफाइंड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फ्रेम, उसके बनावट के आधार पे, लाइक सी आकृति है तो सी टाइप फ्रेम, गैप टाइप है तो गैप बेड, एडजस्टेबल बेड यानी कि उसका जो बेड है जिसके ऊपर वर्क पीस रखा जाता है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, हॉर्न टाइप प्रेस ये भी एक बनावट है, इसी तरह आर्च, टाई रोड एंड पिलर, जिसको हम आगे फिगर में देखेंगे कि किस तरह बनावट के आधार पे, उसकी फ्रेम के आधार पे हम प्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन एंड यूज, उसका यूज कहाँ किया जा रहा है उसके आधार पे भी हम उसको डिफाइंड कर सकते हैं, उसको हम उसकी क्लासिफिकेशन बता सकते हैं। देखिए एक फ्लाई प्रेस दिखाई हुई है, एक इस तरह के अंदर फ्लाई व्हील जैसी डिवाइस लगी रहती है जो कि एनर्जी स्टोर करती है, ऑपरेटेड बाय हैंड, ये हाथ द्वारा चलाई जाती है, और इस तरह की हम मशीन को फ्लाई प्रेस कहते हैं। हमने बात की थी कि कितनी प्रेस उसकी शेप के आधार पर, जैसे कि ये फिगर में दिखाई हुई है सी की आकृति है तो इसको सी फ्रेम, इसके अंदर बेड के बीच में गैप रहता है तो गैप बेड टाइप, इसके बेड को ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है तो इसलिए एडजस्टेबल बेड, ये होर्न बीच में कोई रखने के लिए एक अलग से पार्ट्स लगा रहता है, होर्न लगा रहता है तो इसे होर्न टाइप, ये सॉलिड स्ट्रेट टाइप, आर्च की आकृति की, इसी तरह द टाई रोड टाइप और पिलर, यानी कि पिलर जैसे उसके अंदर कुछ पार्ट्स लगे रहते हैं। तो इस तरह हमारी बनावट के आधार पर वेरियस टाइप ऑफ प्रेस डिफाइंड की जा सकती है, उनकी क्लासिफिकेशन। एक इंडस्ट्रियल प्रेस आपको दिखाई गई है, एक इसकी 3D डायग्राम फोटो के अंदर आप एक प्रेस को देख सकते हो कि किस तरह की हमारी प्रेस मशीन होती है।
टूल के अंदर एक वर्ड आता है टर्मिनोलॉजी सीट मेटल, इसे ज्यादातर हम प्रेस टूल की बजाय छात्र वर्कशॉप के अंदर सीट मेटल के नाम से जानते हैं। सीट मेटल के अंदर दो प्रकार की सीट होती है, एक होती है हमारी जो है फॉयल और एक होती है प्लेट। अगर प्लेट की थिकनेस बहुत कम है तो उसे हम फॉयल बोलते हैं और अगर थिकनेस ज्यादा है तो उसे प्लेट बोलते हैं। जनरली हम सीट मेटल के अंदर 0.15 मिलीमीटर से 6.35 मिलीमीटर की जो प्लेट होगी या फॉयल होगी उसके अंदर हम प्रेस टूल को यूज कर सकते हैं। सीट थिकनेस इज जनरली मेजर्ड इन गेज। कई बार छात्रों से क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिया जाता है कि गेज नंबर अगर थिनर है या ग्रेटर है तो सीट क्या होगी। देखिए जैसे जैसे ग्रेटर द गेज नंबर थिनर द सीट, यानी कि जैसे जैसे आपका गेज नंबर बढ़ता है सीट की थिकनेस घटती है और जैसे जैसे नंबर कम होता है आपकी जो गेज का नंबर घटता है तो सीट की थिकनेस बढ़ती है। इसलिए 22 गेज की चादर सदा 20 गेज की चादर से पतली होगी, यानी कि 20 गेज की चादर मोटी होगी 22 गेज की चादर से। ये आपको सदा अपने वाइवा के लिए याद रखना होगा। सीट मेटल कैन बी कट के लिए भी यूज किया जा सकता है, बेंड, स्ट्रेच। जनरली टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आर परफॉर्म, फॉर्मिंग एंड कटिंग। फॉर्मिंग का मतलब है उसकी शेप के अंदर कोई चेंज कर देना, लाइक बेंड कर देना, मोड़ तोड़ देना, या दूसरा ऑपरेशन है कटिंग कर देना, यानी कि उसको काट देना, दो पार्ट में विभक्त कर देना। ये हमारा सीट मेटल के ऊपर दो तरह के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। सीट मेटल ऑपरेशन की हमने बात की, क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं सीट मेटल के अंदर। बेंडिंग, शेयरिंग, ब्लैंकिंग, पंचिंग, ट्रिमिंग, पार्टिंग, स्लिटिंग, लेंसिंग, नोचिंग, परफोरेटिंग, निबलिंग, एम्बोसिंग, सेविंग, कट ऑफ, डिंकिंग, कोइनिंग, डीप ड्रॉइंग, स्ट्रेच फॉर्मिंग एंड रोल फॉर्मिंग, दीज आर सम ऑपरेशन। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के अंदर छात्र गलतियां करते हैं क्योंकि ये सारी डेफिनेशन एक जैसी ही लगती है, बहुत माइनर माइनर सा भेद इनके अंदर होता है। तो जब तक आप इसको अच्छी तरह नहीं जानोगे एग्जाम के अंदर आप गलतियां करोगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जनरली आता है, बार बार आता है, तो आप इसकी तैयारी परीक्षा के लिए कर लें और इनको किसी पब्लिक सेक्टर के एग्जाम में भी जब आप जाएं तो इनके अंदर गलती होने की चांस रहती है। तो इनको आप ध्यानपूर्वक समझें, हम एक एक को आपको समझाते चलेंगे। जैसे बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब है सीट को मोड़ देना, बेंड कर देना, बेंड कर देना किसी एंगल के ऊपर। दिस इज कॉल्ड बेंड। बेंडिंग इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच ए फोर्स इज अप्लाइड टू पीस ऑफ सीट मेटल कॉजिंग इट टू बेंड एट एन एंगल एंड फॉर्म द डिजायर्ड शेप। इस किस तरह की शेप हम इसके अंदर बना सकते हैं, देखिए, स्ट्रेट फ्लेंज, स्ट्रेच फ्लेंजिंग, श्रिंक फ्लेंजिंग, हेमिंग, सीमिंग। जैसे आपने देखा होगा बाल्टी या बकेट के अंदर इस तरह का वाटरप्रूफ जॉइंट उसके अंदर हम लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड सीमिंग। कर्लिंग, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कटिंग टूल्स के अंदर हमारी चिप्स कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है, तो इस तरह को हम कर्लिंग शेप बोलते हैं। तो इस तरह हमारे बेंडिंग कुछ ऑपरेशंस हैं, इनको और आगे देखेंगे ऑपरेशन को। चैनल बेंडिंग, चैनल को हम इस तरह चैनल बनाने के लिए उसको बेंड कर देते हैं। यू बेंडिंग, यू की आकृति हम बेंड कर देते हैं। एयर बेंडिंग, इस तरह की शेप दे देते हैं। ऑफसेट बेंडिंग, इस तरह की आकृति दे देते हैं। और इस तरह की जिगजैग आकृति कोरूगेटिंग हम बोलते हैं। ट्यूब फॉर्मिंग, जैसा कि दिखाया गया है, तो इस तरह हम बेंडिंग के अंदर भी बहुत से ऑपरेशन कर सकते हैं। शेयरिंग, शेयरिंग इज डिफाइंड एज सेपरेटिंग मटेरियल इनटू टू पार्ट, एक सीट को दो पार्ट में विभक्त कर देना, तोड़ देना, काट देना। इट यूटिलाइज शियर फोर्स, इसके अंदर हम कौन सा फोर्स यूज करते हैं, शियर फोर्स। तीन प्रकार के फोर्स होते हैं, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और तीसरा फोर्स होता है आपका शियर फोर्स। तो यहां हम सीट मेटल के अंदर जो फोर्स यूज करते हैं उसे हम शियर फोर्स कहते हैं। ब्लैंकिंग, ए पीस ऑफ सीट मेटल इज रिमूव्ड फ्रॉम ए लार्जर पीस ऑफ स्टोव, एक बड़े से पार्ट से एक छोटा सा पार्ट रिमूव करने के ऑपरेशन को कहते हैं ब्लैंकिंग।
द रिमूव पीस इज नॉट ए स्क्रैप, ये कोई वेस्ट नहीं है जो रिमूव किया गया है, बट इट इज द यूजफुल पार्ट, कंपोनेंट हमारा ये है और जो बचा है वो वेस्ट। फाइंड ब्लैंकिंग, इसी का ब्लैंकिंग का और एक रूप है जिसके अंदर हम फाइन शेप बनाने के लिए यूज करते हैं। पंचिंग, पंचिंग ऑपरेशन जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि किसी पार्ट से किसी प्रोडक्ट को पंच करने का ऑपरेशन हमारा पंचिंग ऑपरेशन होता है। पंचिंग और पेरिसिंग में कई बार छात्र कंफ्यूज कर जाते हैं कि पंचिंग क्या है और पेरिसिंग क्या है, एग्जाम के अंदर गलती कर। दोनों का काम है होल बनाना। पंचिंग के अंदर एक राउंड होल बनाया जाता है, गोलाकार होल बनाया जाता है, और पेरिसिंग के अंदर नॉन गोलाकार। बस ये दोनों में अंतर है, अदरवाइज दोनों के अंदर ही छेद बनाया जाता है, दोनों के अंदर ही होल तैयार किया जाता है, केवल एक माइनर डिफरेंस है उसके होल की आकृति। आगे बढ़ते हैं, देखिए ब्लैंकिंग और पंचिंग को एक, क्योंकि दोनों में छात्र एग्जाम के अंदर कई बार गलतियां कर देते हैं, लिख के ब्लैंकिंग को पंचिंग आ जाते हैं और पंचिंग को ब्लैंकिंग हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर भेद करना छात्रों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जैसे फिगर में देख रहे हैं दोनों में काम एक ही है लेकिन रिजल्ट में अंतर है। जैसा कि ब्लैंकिंग के अंदर जो हमारा स्क्रैप है वो बची हुई सीट है, और जो टूट के नीचे निकला है वो हमारा वर्क पीस है। वहीं अगर आप पंचिंग में देखें जो स्क्रैप है वो नीचे जो टूट के गिरा है वो आपका स्क्रैप है, और जो बचा है वो आपका वर्क पीस है। बस इस फिगर को आप दिमाग में रखें, इस ऑपरेशन को आप दिमाग में रखें, तो ब्लैंकिंग और पंचिंग में कभी आप एग्जाम के अंदर गलती नहीं कर पाएंगे। ट्रिमिंग, ट्रिमिंग पंचिंग अवे एक्सिस मटेरियल फ्रॉम द पेरीमीटर ऑफ द पार्ट सच एज ट्रिमिंग द फ्लैंज फ्रॉम इट राउंड कप। कुछ कॉर्नर के ऊपर कुछ स्क्रैप्स रह जाते हैं, कुछ एक्सिस मेटल रह जाते हैं, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को ट्रिमिंग बोलते हैं। पार्टिंग, सेपरेटिंग ए पार्ट फ्रॉम रिमेनिंग सीट बाय पंचिंग अवे द मटेरियल बिटवीन पार्ट, यानी कि एक पार्ट को दो पार्ट में तोड़ देना, काट देना, इज कॉल्ड पार्टिंग, सेपरेटिंग ए पार्ट फ्रॉम रिमेनिंग सीट। स्लिटिंग, कटिंग स्ट्रेट लाइन इन द सीट, नो स्क्रैप मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड। एक लाइन से किसी सीट को काट देना, जैसे आपने अपनी किचन के अंदर विभिन्न प्रकार के किचन के अपने इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, कद्दूकस जैसा एक कि आलू छीलने वाला यंत्र, इस तरह की हमारी एक ये बनावट इसके अंदर कटिंग करते। अगर हम अभी हमने कुछ किचन के बारे में बात की थी कि क्रिएटिंग ए पार्शियल कट इन द सीट सो दैट मटेरियल इज रिमूव्ड, द मटेरियल इज लेफ्ट अटैच्ड टू द बेंट एंड फॉर्म ए शेप सच एज ए टैब बेंट और डाउन। देखिए जैसे हमने बात की थी, काट के उसी के साथ जोड़ा छोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड लेंसिंग। ये भी कहीं ना कहीं कद्दूकस जैसा पार्ट्स है, जैसा आपके रसोई के अंदर बहुत से पार्ट्स हम यूज करते हैं, कद्दूकस, कद्दू को छीलने के लिए, आलू को छीलने के लिए, ऐसी कुछ शेप्स हम इसके अंदर बना सकते हैं, तो लेंसिंग को आप इजीली समझ सकते हैं। नोचिंग, पंचिंग द एज ऑफ ए सीट फॉर्मिंग ए नोच इन द शेप ऑफ पोर्शन ऑफ द पंच। पंचिंग द एज ऑफ सीट यानी कि उसकी एज को पंच करना, काट देना, इस तरह के ऑपरेशन को बोलते हैं नोची। परफोरेटिंग, आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या यूज करते हैं, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर्स, उसके अंदर बहुत से छिद्र बने रहते हैं, कंटिन्यूअस छिद्र बने रहते हैं, अनंत छिद्र बने रहते हैं, उन छिद्र को हमारा परफोरेटिंग के द्वारा। पंचिंग ए क्लोज अरेंजमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन ए सिंगल ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन में बहुत सारे छिद्र बनाने के ऑपरेशन को परफोरेटिंग कहते हैं। निबलिंग, निबलिंग का मतलब है पंचिंग ए सीरीज ऑफ स्मॉल ओवरलैपिंग स्लिट्स और होल अलोंग ए पाथ टू कट आउट ए लार्जर कंटूर शेप, यानी कि होल को ओवरलैप करते चले जाएं
तो वो एक आकृति का रूप ले लेती है, यानी कि वो मेटल रिमूव हो जाता है, होल बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप करते हुए चले जाएं तो एक इस तरह की आकृति ले लेते हैं। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड निबलिंग। एम्बोजिंग, सर्टेन डिजाइन आर एम्बोज्ड ऑन द शीट मेटल, पंच एंड डाई आर ऑफ सेम कंटूर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है, चित्र के अंदर दिखाया गया है, किसी कंपनी का होलोग्राम बनाना, किसी कंपनी का हमें कोई लोगो बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि सीट को एक तरफ हम दबा देते हैं। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एम्बोजिंग। तो आपने कई जगह कंपनी के बाहर इस तरह के लोगो वगैरह देखे होंगे, तो सर्टेन डिजाइन आर एम्बोज्ड ऑन द सीट मेटल, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एम्बोजिंग। Saving, shearing away minimal material from edge of feature or parts using a small die clearance, यानी कि थोड़ा सा मेटल अपना कॉर्नर के ऊपर जिससे कि शार्प कॉर्नर ना रहे, this is called shaving. Cut off, separating a part from the remaining sheet without producing any scrap, यानी कि एक पार्ट को दो पार्ट में काट देना, इस तरह की हम शेप में काट देना, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ। डिंकिंग, देखिए कई बार आप किसी पट्टे में या बेल्ट के अंदर होल बनाते हैं तो उसके अंदर आप एक सुंभी यूज करते हैं, इस ऑपरेशन के अंदर भी आपका होल बनाया जाता है एंड दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड डिंकिंग। यानी कि किसी सॉफ्ट मेटल के अंदर, वुड के अंदर, बेल्ट के अंदर एक होल क्रिएट करना, एक कोई छेद प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड डिंकिंग। A specialized form of piercing used for punching soft metal, a hollow punch called a dinking die with beveled sharpened edge, press the sheet into a block of wood or soft metal. यानी कि किसी belt के अंदर, लकड़ी के, wood के अंदर कोई hole तैयार करने के operation को कहते हैं dinking। Coining, सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी को देख के होती है कि ये ब्यूटी है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, कि दुनिया में सब कुछ वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, जो भी सामने दिखता है वो सारी सृष्टि के पार्ट्स एक मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा बनाए जाते हैं। कोई नहीं, सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है देखने में कि हम जो भी काम करते हैं ज्यादातर पैसे की प्राप्ति के लिए करते हैं, उधर की प्राप्ति के लिए, पेट पूजा के लिए हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, तो कोइनिंग ही आखिर हमारा एक ये भी इम्पोर्टेंट लक्ष्य होता है। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर जानता है कि किस तरह पैसे को बनाया जाता है। सिमिलर टू एम्बोजिंग, विद द डिफरेंट डिफरेंस दैट सिमिलर और डिफरेंट इंप्रेशन आर ऑब्टेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सीट मेटल। एम्बोजिंग से थोड़ा डिफरेंट, इसके अंदर दोनों तरफ शेप बनाई जाती है और एक आकृति उसके अंदर उधेड़ दी जाती है, बना दी जाती है। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड कोइनिंग। डीप ड्रॉइंग, डीप ड्रॉइंग का मतलब है किसी गहराई तक किसी मेटल को ड्रॉ करना, जैसे कि कप की बनावट या किसी ग्लास की बनावट, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड डीप ड्रॉइंग। स्ट्रेच फॉर्मिंग, स्ट्रेच फॉर्मिंग का मतलब होता है किसी, स्ट्रेच फॉर्मिंग इज द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच ए पीस ऑफ शीट मेटल इज स्ट्रेच्ड, मोड़ दी जाती है, स्ट्रेच कर दी जाती है ओवर ए डाई इन ऑर्डर टू फॉर्म ए लार्जर बैंड, किसी पार्ट को बैंड करने के लिए, मोड़ने के लिए जो हम ऑपरेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच फॉर्मिंग। डाइस, देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि ये जो सारा कार्य करते हैं उसके अंदर डाई यूज की जाती है। डाई वो विभिन्न हार्ड मटेरियल की बनाई जाती है, लाइक हाई स्पीड स्टील एंड कार्बाइड, उसको हम हीट ट्रीटमेंट द्वारा बहुत हार्ड कर देते हैं, उसे किसी ऑयल में डुबोने के बाद, उसका उष्मा उपचार करने के बाद हम अपनी डाई को वेरी हार्ड मेटल की यूज करते हैं। अगर उनकी शेप के आधार पर हम उनकी बात करें तो वेरियस टाइप की हमारी डाई होती है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपने पीटी 1 के अंदर भी पढ़ा होगा, वहां भी आपने इसकी तैयारी की होगी, इसके बाद पीटी 2 के अंदर भी आप पढ़ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी। तो डाई जो है वेरियस स्टेजेस पे आपने पढ़ी होंगी,
लेकिन इनको बनाना एग्जाम में और एक्सप्लेन करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। छात्र अक्सर इसके अंदर गलतियां कर देते हैं, लेकिन यहाँ आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो पहली हमारी डाई है सिंपल डाई। क्यों इसे सिंपल डाई कहा है? सिंपल डाई और सिंगल एक्शन डाई परफॉर्म सिंगल ऑपरेशन फॉर ईच स्ट्रोक ऑफ द प्रेस लाइन। द ऑपरेशन में बी वन ऑफ द कटिंग और फोर। देखिए इसके अंदर एक स्ट्रोक के अंदर जब हमारा पंच हमारा नीचे वर्क पीस को स्ट्राइक करता है तो केवल एक ही कार्य होता है, या वो कटिंग हो सकता है या फॉर्मिंग हो सकता है, उसको हम सिंपल डाई कहते हैं। जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया हुआ है कि जब हम इसके अंदर एक कटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, एक होल बना रहे हैं, तो इसमें केवल एक ही ऑपरेशन जब किया जाए दिस इज कॉल्ड सिंपल डाई। अगली डाई के ऊपर बढ़ते हैं कंपाउंड डाई। कंपाउंड डाई के अंदर इन दिस डाई टू और मोर ऑपरेशन मे बी परफॉर्म एट वन स्टेशन। सच डाई आर कंसीडर एज कटिंग टूल्स सिंस ओनली कटिंग ऑपरेशन आर कैरीड आउट इन दिस डाई टू और मोर ऑपरेशन। यानी कि दो या दो से अधिक ऑपरेशन किए जाते हैं और दोनों कटिंग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम कंपाउंड डाई कहते हैं। कंपाउंड का मतलब अधिक, तो यानी कि दो से अधिक ऑपरेशन हम इसके अंदर किए जाते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है कि हमें एक वार्शर बनाना है, तो वार्शर के अंदर एक इनर छेद होगा एक आउटर छेद होगा, यानी कि दो कटिंग आपको करनी पड़ेगी, एक आउटर पेरिफेरी के लिए एक इनर पेरिफेरी के लिए। तो हम वार्शर को जब बनाएंगे तो वो कंपाउंड डाई के ऊपर बनाएंगे, यानी कि एक ही बार में दोनों कार्य हो जाएंगे। अगर उसे सिंगल सिंपल डाई के ऊपर आप बनाओगे तो क्या नुकसान होगा? सिंपल डाई के ऊपर जब आप उसे बनाएंगे अगर आप उसे सिंपल डाई के अंदर बनाओगे तो दिक्कत यह है कि आपको दो बार कार्य करना पड़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी ड्राइंग है कॉम्बिनेशन डाई। ये भी कंपाउंड डाई की तरह है, केवल अंतर यह है कि वहां दोनों कटिंग ऑपरेशन होते थे, यहाँ एक कटिंग ऑपरेशन होता है एक नॉन कटिंग ऑपरेशन होता है लाइक फॉर्मिंग। तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन और कंपाउंड डाई में केवल अंतर यह है कि वहां पे हमारे दोनों कटिंग ऑपरेशन यूज किए जाते थे और यहाँ एक कटिंग होता है और एक बेंडिंग या कोई भी फॉर्मिंग ऑपरेशन। इन दिस डाई आल्सो मोर देन वन ऑपरेशन मे बी परफॉर्म एट वन स्टेशन। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड डाई इन दैट इन दिस डाई ए कटिंग ऑपरेशन इज कंबाइंड विद ए बेंडिंग और ड्राइंग ऑपरेशन, ड्यू टू दैट इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन डाई। अगली डाई पे बढ़ते हैं प्रोग्रेसिव डाई। ए प्रोग्रेसिव हैज ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन एट ईच स्टेशन। एन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन वर्कपीस ड्यूरिंग ए स्ट्रोक ऑफ द प्रेस। प्रोग्रेसिव डाई का मतलब है उसके अंदर एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेशन किए जाते हैं। इसको हम एक अगली फिगर के द्वारा अच्छी तरह समझेंगे कि प्रोग्रेसिव डाई क्या है, अधिक ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं। देखिए फिगर के अंदर ये हमारा वर्कपीस है जो आगे ऑटोमेशन के द्वारा मूव कर रहा है और यहाँ पे होल बनाए जा रहे हैं, एक होल ये बना रहा है एक होल ये बना रहा है, तो प्रोग्रेसिवली उसके अंदर कार्य होता रहता है और एक ही स्टेशन के ऊपर वो आगे बढ़ता रहता है और हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन उसके ऊपर होते रहते हैं। एनी क्वेरीज इसके बारे में हम अब आपसे पूछेंगे, आपके अगर कुछ डाउट्स हैं। धन्यवाद, मैं सभी का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं प्रवक्ता डीएन पॉलिटेक्निक आपको सुनने के लिए आपको इतना समय देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर यमुनानगर जिनके द्वारा मुझे कुछ ये फिगर्स वगैरह मैंने वहां से लिए हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी छात्रों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा है कि आप इसको पढ़ के समझ के अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे और अपने को एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद।